पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को भाजपा पर एनआरसी को लेकर भय का माहौल पैदा करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनके राज्य में 6 लोगों की इस डर से जान चली गई कि उन्हें राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। तृणमूल सुप्रीमो ने कहा कि वह केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय नागरिक पंजी तैयार नहीं करने देंगे। वह यहां व्यापार संघों के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा एनआरसी बंगाल या देश के किसी भी हिस्से में नहीं होगा। असम में यह असम समझौते की वजह से हुआ। बनर्जी ने कहा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि वह अपने राज्य में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा ममता बनर्जी ने कहा बंगाल में एनआरसी को लेकर भय पैदा करने वाली भाजपा पर धिक्कार है, इसके कारण पश्चिम बंगाल में 6 लोगों की जान चली गई। मुझ पर भरोसा रखिए, पश्चिम बंगाल में कभी भी एनआरसी की कवायद नहीं होने दूंगी। भाजपा को एनआरसी पर अफवाह फैलाना बंद करना चाहिए। सरकार के सूत्रों के अनुसार राज्य में एनआरसी से संबंधित मामलों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। दावा किया गया है कि 2 लोगों ने भारत में लंबे समय से रहने के प्रमाण वाले दस्तावेज नहीं मिलने के बाद खुदकुशी कर ली। 4 अन्य के सरकारी दफ्तरों में कागजों के लिए कतार में खड़े होने के दौरान बीमारी से मौत होने के दावे हैं। इस बात को लेकर ममता बनर्जी के दावों को खारिज करते हुए पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस नेता खुद एनआरसी पर डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा वह एनआरसी पर हिंदुओं में दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहले ही साफ कर चुके हैं कि दूसरे देशों में आए सभी हिंदुओं को नागरिकता संशोधन विधेयक के तहत नागरिकता दी जाएगी और उसके बाद घुसपैठियों को निकालने के लिए एनआरसी लागू किया जाएगा। असम में हाल में प्रकाशित हुई एनआरसी सूची में 19 लाख से ज्यादा लोगों के नाम नहीं थे। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक एनआरसी की अंतिम सूची में जिन लोगों का नाम नहीं है उनमें करीब 12 लाख हिंदू है, जिनमें बंगाली बोलने वाले हिंदू भी शामिल है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी ने बंगाली बोलने वालों को सूची से बाहर करने के को बंगाली विरोध कदम बताया था। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।